मम्मा मम्मा बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है मम्मा, मैं नहाने चली जाऊं? मम्मा मेरे सारे दोस्त बारिश में नहा रहे होंगे और वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं गुड़िया, तुम बाहर मत जाओ, अगर तुम बारिश में भीगोगी तो तुम्हें बुखार आ जाएगा, इसलिए तुम चुपचाप से यहाँ पर बैठो और यहाँ से कहीं मत जाओ। मम्मा प्लीज जाने दो ना, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, प्लीज मम्मा। गुड़िया मैं मना कर रही हूँ ना कि मत जाओ, तो फिर बार बार क्यों बोल रही हो मुझसे, मैं तुम्हें नहीं भेजूंगी बाहर। ये कहकर रानू लेटते ही सो जाती है। तब गुड़िया अपनी मम्मा को सोते हुए देखती है तो धीरे धीरे बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन रानू उसकी आवाज से जाग जाती है। रुको बेटी, मैंने तुम्हें एक बार कहा ना कि तुम बाहर बारिश में भीगने नहीं जाना। मम्मा मम्मा प्लीज मुझे जाने दो, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, जग्गू और मानू भी बारिश में नहा रहे होंगे। गुड़िया की जिद के आगे मम्मा चिड़िया हार जाती है और वो कहती है, अच्छा ठीक है, जब इतनी जिद कर रही हो तो तुम अब चली जाओ, लेकिन जल्दी खेलकर घर वापस आ जाना। गुड़िया तो खुश होकर घर से जाती है। गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि बारिश में उसकी मम्मा ने उसे भेज दिया। वो अपने दोस्तों की तरफ जाती है जहाँ वो सब खेलते थे, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। मानू और जग्गू तो यहाँ पर नहीं है, मैंने सोचा था कि वो दोनों खेल रहे होंगे और मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो तो यहाँ नहीं है, ऐसा करती हूँ मैं उनके घर चली जाती हूँ। ये कहकर गुड़िया जग्गू की तरफ आती है। जब वो वहाँ आती है तो देखती है कि जग्गू और उसकी मम्मा गोरी दोनों छाता लिए बाहर बैठे थे। गुड़िया को देखकर गोरी कहती है, गुड़िया बेटी तुम यहाँ बारिश में क्या कर रही हो, यहाँ क्यों आई हो? वो आंटी मैं तो जग्गू के साथ खेलने आई थी। लेकिन मैं तो अभी बाहर खेलने नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी बारिश हो रही है, मेरी मम्मा मुझे बारिश में बाहर नहीं जाने देती। गुड़िया तो ये सुनकर उदास हो जाती है। फिर वो मानू के घर की तरफ आती है और उसे आवाज लगाती है, कोई है, कोई है घर के अंदर तो दरवाजा खोलो। मानू मैं हूँ गुड़िया, दरवाजा खोलो। गुड़िया की आवाज सुनकर लाड़ो दरवाजा खोलकर बाहर आती है और कहती है, गुड़िया बेटी क्या बात है, तुम इतनी तेज बारिश में आज यहाँ क्यों आई हो? मानू तो घर के अंदर है, बताओ क्या काम है उससे? वो काम तो कुछ नहीं है, मैं तो उसके साथ खेलने आई थी, हम दोनों साथ में रोज खेलते हैं ना, तो आज भी जाने के लिए। मानू भी घर से बाहर आ जाता है और उससे कहता है, गुड़िया आप अंदर आ जाओ, हम दोनों मेरे खिलौने से खेल लेंगे। नहीं नहीं मैं तो तुम्हारे साथ बारिश में खेलने के लिए आई थी। नहीं नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बुखार आ जाएगा अगर मैं बारिश में भीगूंगा तो। पहले भी मुझे बुखार आ गया था, तब मम्मा ने मुझे दवाई खिलाई तब मैं ठीक हुआ। मम्मा ठीक ही कह रही थी, कहीं मुझे भी बुखार ना आ जाए, मैं जल्दी से घर चली जाती हूँ। ये कहकर गुड़िया जल्दी से वापस अपने घर आ जाती है। तब उसकी मम्मा कहती है, गुड़िया बेटी क्या तुम खेल आई हो अपने दोस्तों के साथ बाहर? नहीं मम्मा, वो दोनों तो बाहर बारिश में खेलने से डर रहे थे, इसलिए मैं भी वापस आ गई। मैंने आपको इसीलिए मना किया था, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। बारिश तो तेज हो रही थी, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुड़िया को तो बारिश में भीगने की वजह से जुखाम और खांसी हो जाती है। गुड़िया बेटी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। रानू चिड़िया जब अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर देखती है तो उसे तो खांसी जुखाम के साथ साथ तेज बुखार भी था। गुड़िया बेटी मैंने कहा था वही हुआ है, मैंने मना किया था ना कि बाहर बारिश में भीगने मत जाओ, देखो अब तुम्हें बुखार आ गया। मम्मा मम्मा मुझे अपने पंखों में छिपा लो। गुड़िया की बात सुनकर रानू चिड़िया तो तेज बारिश में रात को उड़ती हुई जाती है। वो एक माँ थी, वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती थी,
वो बुलबुल डॉक्टर के घर जाती है और उससे कहती है, बुलबुल बहन, मेरी बेटी को तेज बुखार है और खांसी जुकाम भी है, तो आप मुझे जल्दी से दवा दे दो उसके लिए। गुड़िया को तेज बुखार जुकाम की वजह से आया है और जुकाम उसे बारिश में भीगने की वजह से हुआ होगा। क्या वो बारिश में भीगी थी? हाँ, वो भीगी थी बारिश में। मैंने उसे मना तो बहुत किया पर वो नहीं मानी। जिद कर रही थी बहुत ज्यादा, तो फिर मैंने भी बोल दिया कि जा चली जा, और उसे जुकाम हो गया, बुखार भी आ गया। ये लो, आप ये दवा ले जाओ और उसे खिला देना, वो ठीक हो जाएगी। रानू चिड़िया वो दवा लेती है और तुरंत अपने घर आती है। जब वो घर आती है तो उसकी बेटी उससे कहती है, मम्मा मम्मा, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मम्मा, मेरी वजह से आपको ये सब करना पड़ा, इतनी रात को तेज बारिश में दवाई लेने जाना पड़ा। हाँ गुड़िया बेटी, मैं अपनी बच्ची के लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अब तुम दोबारा ऐसा कभी मत करना। पर बेटी, तुम्हें ये कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी, तभी तुम ठीक होगी। रानू चिड़िया अपनी बेटी को वो कड़वी दवा पिला देती है। तब गुड़िया कहती है, मम्मा मम्मा, सच में ये दवा तो बहुत कड़वी है, मम्मा मुझे कुछ मीठा खाने को दे दो। रानू चिड़िया तो अपनी बेटी को ऐसे करते हुए देखकर बहुत हंसती है और कहती है, गुड़िया बेटी, घर में तो कोई भी मीठी चीज नहीं है जिसे मैं तुम्हें दे सकूं, पर अब तुम बताओ, क्या बारिश में जाओगी दोबारा भीगने? नहीं मम्मा, नहीं, अब मैं कभी बारिश में नहीं भीगूंगी, नहीं तो मुझे फिर से ये कड़वी दवा खानी पड़ेगी। मैं कभी बारिश में नहीं भीगूंगी। ये कहकर गुड़िया तो अपनी मम्मा से लिपटकर सो जाती है और वो बहुत प्यारी नींद सो रही थी। चिड़िया तो उसे देखकर बहुत खुश थी। फिर ऐसे वो सब खुशी खुशी रहती हैं। अरे वाह, ये जंगल तो बहुत बढ़िया है, अब तो मैं यहीं पर रहूंगी, लेकिन इस बारिश की वजह से यहाँ तो मुझे ठंड लग रही है, अब मुझे घर का इंतजाम तो करना ही होगा। ये कहकर चील घर की खोज में निकल जाती है। थोड़ी दूर आने पर उसे एक बांस का घर दिखाई देता है। तब वो उस घर के पास आकर सोचती है, अरे वाह, ये घर तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है और बहुत मजबूत भी। मैं ऐसा करती हूँ, इसी घर पर कब्जा कर लेती हूँ, देखती हूँ इस घर में कौन है। ये कहकर वो चील घर के पास आकर आवाज लगाती है। रानू चिड़िया घर के अंदर सो रही थी। जब वो आवाज सुनती है तो उठ जाती है और वो सोचने लगती है कि इतनी तेज बारिश में आखिर उसके घर कौन आया होगा। फिर वो पूछती है, कौन है मेरे दरवाजे पर, क्यों आवाज लगा रहे हो, कौन है भाई, बताओ तो जरा। मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैं भीग रही हूँ, तो आप क्या प्लीज मेरी मदद कर दोगी, मुझे अपने घर में थोड़ी जगह दे सकती हो? इस बारिश की वजह से मुझे बहुत ठंड भी लग रही है, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप मेरी मदद करोगी तो। ये सुनकर तो रानू को उस पर दया आ जाती है और वो दरवाजा खोल देती है। फिर वो चील तो रानू के घर में जबरदस्ती घुस आती है और उससे कहती है, अरे ओ छोटी चिड़िया, चल जल्दी से इस घर से बाहर निकल, आज से ये घर मेरा है, अब मैं इसमें रह करूंगी, चल जल्दी बाहर निकल। ये सुनकर तो वो रानू डर जाती है और वो कहती है, अरे अरे, ऐसे तुम मेरे घर में कैसे रह सकती हो, मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, समझी, तुम मेरे घर में तुम नहीं रह सकती हो, निकलो अभी मेरे घर से, ये मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। लगता है छोटी चिड़िया तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक अभी मैं तुझे सबक सिखाती हूँ, तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा, तभी तू समझेगी। ये कहकर वो चील रानू चिड़िया पर हमला कर देती है, उसे बहुत मारती है और मार मार कर उस घर से निकाल देती है। रानू बेचारी तेज बारिश में वहाँ से चली जाती है। तब वो चील तो रानू के दोनों अंडे खा जाती है। फिर सुबह हो जाती है और बारिश रुक जाती है। चील घर के बाहर आती है और मौसम देखकर कहती है, अरे वाह, मौसम तो बड़ा सुहावना हो गया है, चलो अब मैं जंगल की सैर करके आती हूँ, घूम कर आती हूँ सारा जंगल। ये कहकर चील जंगल में घूमने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लाड़ू चिड़िया रहती थी। लाड़ू चिड़िया ने अभी अभी अंडे दिए थे, वो बेचारी अपने अंडों का बहुत ध्यान रखती थी।
वो घर के बाहर बैठी भोजन खा रही थी। ये सब दूर बैठी चील देख रही थी और वो कहती है, ये घर लगता है इसी चिड़िया का होगा और इस घर में जरूर कुछ ना कुछ खाने के लिए तो होगा ही, मैं इसके पास जाती हूँ। ये कहकर वो चील लाड़ो के पास आ जाती है। तब लाड़ो कहती है, अरे अरे तुम कौन हो और तुम मेरे घर पर क्यों आई हो? अरे चिड़िया मैं चील हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी से तुम मुझे अपने घर का दरवाजा खोलकर अपना घर तो दिखाना, मैं भी तो देखूं आखिर तुम्हारे घर में क्या क्या है। नहीं नहीं मैं तुम्हें अपना घर नहीं दिखाऊंगी, तुम अभी के अभी जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। ये सुनकर वो चील कहती है, अरे तुम भला नन्ही सी चिड़िया मेरा क्या बिगाड़ लोगी, मैं बहुत बड़ी चील हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, रुको मैं ही बताती हूँ तुम्हें अभी, तब तुम्हें समझ आएगा। ये कहकर वो चील लाड़ो पर हमला कर देती है और उसे बहुत मारती है। तब लाड़ो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। तब चील उसके घर के अंदर आकर उसके दोनों अंडे खा जाती है। वहीं दूसरी तरफ लाड़ो जंगल में बैठी रो रही थी, तभी वहाँ पर रानू आ जाती है और वो लाड़ो से कहती है, लाडो ये तुम्हारा हाल ऐसा किसने किया है और तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? लाडो क्या हुआ है मुझे बताओ। फिर लाडो चिड़िया के साथ जो भी हुआ था लाडो चिड़िया वो सब रानू को बता देती है। ये सुनकर रानू कहती है, लाडो क्या वही चील आई थी तुम्हारे घर भी? अरे उसने मेरे भी अंडे खा लिए हैं और मेरे घर पर भी कब्जा कर लिया है और उसने तुम्हारे अंडे भी खा लिए। लाडो अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो वो जंगल के सब पक्षियों के अंडे खा जाएगी, हो ना हो हमें उस चील का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन रानू बहन वो चील तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम छोटे पक्षी उस चील का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उसे हम कैसे सिखाएंगे ऐसे सबक? हाँ लाडो तुम कह तो ठीक रही हो, हम अकेले उस चील को सबक नहीं सिखा पाएंगे, इसीलिए हमें जंगल के और भी पक्षियों की जरूरत होगी, हम सब एक होकर ही उस चील को सबक सिखा पाएंगे, तभी वो इस जंगल से जाएगी, नहीं तो वो हम सब पक्षियों को ऐसी नुकसान पहुंचाती रहेगी। ये कहकर रानू और लाडो दोनों अपने दोस्तों के पास आती हैं। तब रानू कहती है, देखो तोते और कालू भैया इस जंगल में एक चील आ गई है जो कि बहुत खतरनाक है, उसने मेरे और लाडो चिड़िया के अंडे खा लिए हैं और मेरे घर पर तो कब्जा भी कर लिया है, इसीलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है ताकि हम सब मिलकर उस चील को सबक सिखा सकें। और तो और दोस्तों अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो चील तो ऐसे सभी पक्षियों के अंडे खा जाएगी और फिर धीरे धीरे हम पर भी हमला करना शुरू कर देगी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कोई भी इस जंगल में नहीं बचेंगे, इसलिए हमें उसका कुछ तो करना ही होगा। देखो चिड़िया हमें बल से नहीं बल्कि एक प्लान बनाकर काम करना होगा, ऐसे तो वो चील हमें डराएगी, वैसे मेरे पास एक उपाय तो है। हाँ तो बताओ कालू भैया क्या उपाय है? नहीं नहीं मैं इस उपाय को बताऊंगा नहीं बल्कि करके दिखाऊंगा, और इस उपाय से वो चील हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और कभी वापस नहीं आ पाएगी। ये कहकर वो कालू कौवा दूसरे दिन चील के घर आता है, जब चील अपने घोंसले में लेटी हुई थी। अरे अरे चील बहन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे अरे कौवे तुम मेरे पास क्यों आए हो? अरे अरे चील दी मैं तो आपसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ। अरे कौवे तुम मुझसे दोस्ती करने आए हो? भला तुमसे दोस्ती करके मुझे क्या मिलेगा जो मैं तुमसे दोस्ती करूँ? चील दी अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगी तो मैं तुम्हें अच्छे अच्छे पक्षियों के अंडे खाने के लिए बताऊंगी, और अगर तुम्हें वहाँ जाना हो तो तुम वहाँ जाकर भी खा सकती हो, बहुत सारे अंडे हैं मेरी जुगाड़ में। वो चील अंडों की सुनकर तो खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा तो तुम मुझे अंडे खाने के लिए बताओगे तो फिर तो मैं तुमसे जरूरी दोस्ती करूंगा, चलो तो फिर मुझे लेकर चलो, कहाँ पर है अंडे, मुझे अभी खाने हैं, वैसे भी मुझे भूख लगी है। हाँ तो फिर चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ वहाँ पर। फिर उसके बाद वो कालू कौवा चील को एक घर के पास ले जाता है और वहाँ पहुँच कर कहता है,
चिल्दी आप इस घर के अंदर चली जाओ। इस घर के अंदर ना ताजे ताजे अंडे हैं और बड़े बड़े भी। तुम खाकर आओ, तब तक मैं बाहर बैठता हूँ। फिर उसके बाद वो चील अंडे खाने के लिए उस घर के अंदर चली जाती है। सब पक्षी भी वहाँ जाते हैं और फिर वो सब उस घर में आग लगा देते हैं। चील तो उस घर में जलकर मर जाती है। इस तरह उसे उसके किए की सजा मिल जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हवा बहुत तेज है और इस तेज हवा में मैं उड़ भी नहीं पाऊंगी। मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं क्या करूं? कैसे उनके पास जाऊं? लगता है आज मैं उनके पास नहीं जा पाऊंगी। रानू ऐसा कह रही थी कि तभी तेज हवा का झोंका आता है और रानू के ऊपर एक पेड़ गिर जाता है, जिससे रानू की वहीं मौत हो जाती है। उठो बच्चों, देखो सुबह हो गई है और आज हमें भोजन लेने भी दूर जाना है। ये सुनकर तो रानू के दोनों बच्चे उठ जाते हैं। तब गुड़िया कहती है, मम्मा दूसरे जंगल, मम्मा फिर तो हमें और भी ज्यादा उड़ने को मिलेगा। मम्मा मेरा तो मन करता है कि रात और दिन मैं तो उड़ती रहूं। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उड़ना। मम्मा आज हम दूसरे जंगल जाएंगे, फिर हम ज्यादा उड़ेंगे, है ना मम्मा? वो क्या है बच्चों, अभी तुमने नया नया उड़ना सीखा है, इसलिए तुम्हें ज्यादा शौक है उड़ने का। और अब क्या है, अब तो सारी जिंदगी उड़ना ही तो है। वो बच्चे अपनी माँ से ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ तोता और गौरी और कालू भी आ जाते हैं। तब गौरी कहती है, रानू जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो गई है। दोस्तों मैं तो तैयार हूँ, क्या आपको अच्छे से पता है कि हमें वहाँ भोजन मिल जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि हम इतनी दूर उड़कर सफर करें और हमें खाने को कुछ भी ना मिले। नहीं रानू, मुझे मेरी बहन ने बताया था कि वहाँ दूसरे जंगल में इतना भोजन है कि हम पेट भर के खा भी लेंगे और अपने घर भी ले आएंगे। मैं तो आज पेट भर के भोजन खाऊंगी ताकि 2-3 दिन तक मुझे कुछ भी ना खाना पड़े। वैसे भी कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं खाया है। चलो दोस्तों अब हम चलते हैं। फिर उसके बाद वो सभी पक्षी भोजन की खोज में दूसरे जंगल की तरफ जाते हैं। वो सब तो बहुत खुश थे कि वो सब एक साथ भोजन के लिए जा रहे थे। गुड़िया और कुकू भी बहुत खुश थे कि आज उन्हें उड़ने को मिल रहा था और मौसम भी बहुत अच्छा था। वो सब खुश होकर अच्छे से उड़ रहे थे, लेकिन हवा भी हल्की हल्की चल रही थी, इतनी भी तेज नहीं थी कि वो उड़ ना सकें। वो तो आसानी से उड़कर दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं और वहां सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वैसे तोते भाई, तुम्हारी बहन तो ठीक ही कह रही थी, यहाँ पर तो बहुत सारा भोजन है और हर तरफ दाना ही दाना है। चलो अब हम सब घूम फिर के अपनी अपनी मर्जी से अच्छा अच्छा भोजन खाते हैं। हाँ कालू भैया, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना कि भोजन खाकर सबके सब इसी पेड़ पर इकट्ठे हो जाना, शाम को हम सब इकट्ठे घर जाएंगे। फिर गौरी और कालू एक दिशा में उड़ जाते हैं। तोता चिड़िया से कहता है, चिड़िया मुझे तो अमरूद बहुत पसंद है, मैं देखता हूँ मुझे कहीं से अमरूद मिल जाए। तो ये कहते हुए तोता भी वहाँ से उड़ जाता है। गुड़िया और कुकू आप क्या खाओगे, फल या फिर दाना? मुझे बताओ, मैं ले आऊंगी। नहीं मम्मा, हम तो खुद खा कर आएंगे। मम्मा हमें चावल पसंद है, हम दोनों चावल खाने जा रहे हैं। ठीक है फिर तुम दोनों जाओ और लड़ाई मत करना, दोनों साथ खाकर साथ ही वापिस आना और अच्छे से जाना। फिर रानू के दोनों बच्चे भी चावल खाने चले जाते हैं। यहाँ तो सच में बहुत ज्यादा भोजन है, अब तो हम रोजाना भोजन के लिए यहीं आ जाए करेंगे। फिर रानू भी भोजन खाने के लिए चली जाती है। सब बहुत खुश थे, लेकिन मौसम बदलने में क्या देर लगती है। उन्हें क्या पता था कि मौसम खराब हो जाएगा। आंधी आने लगती है और हवाएं चलने लगती हैं। गौरी और कालू बैठे हुए थे, तब गौरी कहती है, मेरे पति कालू मेरे पास आ जाओ, हवा बहुत तेज है, अगर हवा चली तो कहीं हम दोनों उड़ ना जाएं, मेरे पास आ जाओ आप। गौरी की बात सुनकर कालू तो उसके पास बैठ जाता है। इधर गुड़िया और कुकू तो बहुत डरे हुए थे, वो अभी छोटे थे। तभी गुड़िया कहती है, कुकू कुकू हवा बहुत तेज है, मुझे तो डर लग रहा है।
गुड़िया मम्मा क्या कहती हैं कि ऐसी हवा में उड़ना नहीं चाहिए। गुड़िया हम यहीं बैठकर हवा के रुकने का इंतजार करते हैं। हे भगवान, ये हवा तो बहुत तेज है। मेरे बच्चे अकेले होंगे, वो डर रहे होंगे, लेकिन मैं क्या करूं और कैसे उड़ूंगी ऐसी हवा में। हे भगवान, कुछ करो। रानू चिड़िया बहुत डर रही थी। वो अपने बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो उनके पास जाने वाली थी कि तभी हवा का झोंका आता है और एक पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे वो तो वहीं दबकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ कुकू गुड़िया से कहता है, तुम उदास क्यों होती हो गुड़िया, तुम उदास मत हो। अगर तुम उदास होगी तो मैं भी उदास हो जाऊंगा। फिर कुकू, हमारी मम्मा कहाँ हैं? वो अभी तक क्यों नहीं आई? पता नहीं वो कहाँ हैं। गुड़िया, हवा तेज है, जैसी हवा रुकेगी मम्मा आ जाएंगी, और जैसे हम आए थे खुशी खुशी वैसे ही अपने घर जाएंगे। फिर काफी देर के बाद हवा रुक जाती है। कालू, ऐसा तूफान तो मैंने आज पहली बार देखा है। चलो कालू, अब हम अपने दोस्तों के पास चलते हैं और अपने घर के लिए निकलते हैं। फिर कालू और गोरी उसी पेड़ के पास आते हैं जहां वो सब पहले बैठे थे। तोता भी वहां आ गया था। गोरी, रानू चिड़िया और उसके बच्चे कहाँ हैं? हवा तो रुक गई है, लेकिन अभी तक वो क्यों नहीं आए? शाम भी होने वाली है। तोते, इससे पहले कि रात हो जाए हमें उन्हें ढूंढना होगा। फिर वो तीनों मिलकर रानू और उसके बच्चों को ढूंढते हैं। कालू और गोरी भी इधर उधर देखते हैं, तभी उन्हें बच्चे दिख जाते हैं, तो वो दोनों उनके पास आ जाते हैं। तोते तोते इधर आ जाओ, मिल गए गुड़िया और कुकू। फिर तोता भी वहां आ जाता है। तब कालू बच्चों से कहता है, गुड़िया और कुकू तुम दोनों यहाँ हो, फिर तुम्हारी मम्मा कहाँ है? वो कालू अंकल, हम दोनों यहाँ चावल खाने आए थे, तभी तेज हवा शुरू हो गई और मम्मा को तो हम उसी पेड़ पर बैठा हुआ छोड़कर आए थे, लेकिन वो अब तक नहीं आई। तोते, तुम इन बच्चों के पास बैठो, मैं और कालू रानू को देखने जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तेज हवा की वजह से कोई पेड़ वेड़ उसके ऊपर गिर गया हो। फिर गोरी और कालू रानू चिड़िया को हर जगह देखने के लिए जाते हैं। वो उसे आसपास की सब जगहों पर देखते हैं। धीरे धीरे शाम भी हो जाती है, लेकिन रानू तो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। वो उन्हें मिलती भी कैसे? वो तो एक पेड़ के नीचे दबकर बेहोश हो गई थी। फिर वो दोनों वापस आ जाते हैं। दोस्तों, अगर रात हो गई तो दिशा का हमें पता नहीं चलेगा, बच्चे भी हमारे साथ हैं। चलो अब हमें चलना होगा। ये सुनकर तो वो दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लग जाते हैं। तब गुड़िया कहती है, मम्मा मम्मा आप कहाँ हो? जल्दी हमारे पास आ जाओ। मम्मा देखो, रात होने वाली है, हमें घर भी जाना है। मैं अपनी मम्मा के बिना वापस नहीं जाऊंगी। मम्मा आप कहाँ हो? जल्दी आ जाओ। गुड़िया, मेरी बहन, मम्मा आ जाएंगी, वो रास्ता भूल गई होंगी ना, इसलिए अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में। हम अपनी मम्मा के दोस्तों के साथ ही घर चलते हैं, क्योंकि हम अकेले घर नहीं जा सकते। बच्चों, अगर तुम्हारी मम्मा जिंदा हुई तो वो कल सुबह तक घर आ जाएगी। तुम अपनी जिंदगी को खतरे में ना डालो और हमारे साथ घर चलो, तुम्हारी मम्मा तो वापस आ जाएगी। फिर तोता, गोरी और कालू उन दोनों बच्चों को लेकर घर आते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता की हमेशा बात माननी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि गुड़िया की तबीयत खराब कैसे हुई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना, ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।